मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पिछले कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई थी, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जिसे वह व्यक्तिगत तौर पर रुचि लेकर देखते रहते थे। मगर पिछले चुनाव में कांग्रेस की विजय के बाद इस योजना को बंद कर दिया गया। बीते 2 वर्ष कोरोना के कारण भी यह शुरू नहीं हो पाई। आज से ये योजना अशोकनगर जिले में फिर शुरू हुई। 275 यात्रियों को लेकर एक विशेष ट्रेन कामाख्या दर्शन के लिए हुई है। इन यात्रियों में ज़्यादातर बुजुर्ग लोग थे। इनको रवाना करने के लिए विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ अशोकनगर जिले के राजनीति जनप्रतिनिधि एवं तमाम सारे प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रमुख रूप से संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर केपी यादव, विधायक जजपाल सिंह जज्जी के सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी रहे। इन दोनों ने श्रद्धालुओं के चरण पड़े। इसके अलावा उन्हें माला डालकर यात्रा की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर लंबे समय से यात्रा की आस में बैठे बुजुर्गों में हर्ष देखा गया और वे इस योजना को लेकर फिर से जो है आशीष देते नजर आए। लंबे समय के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने जो है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू की है, तो नए शुरू से जो शुरू की गई है, तो क्या अनुभव रहा और कितने लोग अशोकनगर से गए इस बार? दरअसल में ये मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना माननीय शिवराज सिंह जी की योजना, उनके दिमाग की उपज है कि बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जाए सरकार अपनी। तो पिछले 4 वर्ष से लगभग ये जैसे 2018 में शिवराज सिंह जी की सरकार जाने के बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब से तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी गई थी और 4 साल के बाद अब तो पुनः माननीय शिवराज सिंह जी ने प्रारंभ की है और आज उसी तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत अशोकनगर से माँ कामाख्या देवी दर्शन हेतु 275 यात्री रवाना हुए हैं और हाल ही में हमने उनको यहाँ से रवाना किया है और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ यात्री गए हैं। और मैं समझता हूँ ऐसी योजना है कि जो हम भारतीय संस्कृति में अपने परिवार के बुजुर्गों को, कई ऐसे गरीब परिवार हैं जो तीर्थ दर्शन नहीं करा पाते, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनके परिवार जन बन के उन्होंने ये तीर्थ दर्शन प्रारंभ किया, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। ये योजना सिर्फ कामाख्या लिए रहेगी क्या, आगे के शेड्यूल भी है इसके? नहीं, ये यात्रा अब चूँकि कंटिन्यू रहेगी, जो पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के शासनकाल में थी वो पुनः दोबारा से लागू हो गई है, चालू हो गई है, वो अब लगातार जारी रहेगी अलग अलग तीर्थस्थलों के लिए। आज आपने देखा भी है, जाके उनका स्वागत भी किया, तो लंबे समय से बुजुर्ग इसकी तैयारी कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, तो कैसा माहौल रहा वहाँ? आज बहुत ज़्यादा उत्साह का माहौल था, जो बुजुर्ग जा रहे थे तीर्थ यात्रा को, उनके परिजन उनको छोड़ने आए थे और मैं समझता हूँ ऐसा एक तीर्थ जैसा माहौल लग रहा था स्टेशन पर और बहुत उत्साहित थे लोग। और ये पिछले 4 साल से लोग इंतजार कर रहे थे कि कब ये तीर्थ यात्रा योजना प्रारंभ हो, और जैसे ही ये प्रारंभ हुई तो आज बड़े हर्षोल्लास के साथ उस तीर्थ यात्रा के लिए सारे हमारे यहाँ के बुजुर्ग रवाना हुए।